देखने हैं आप? गुड मॉर्निंग मिसेस रजा। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट इज रेडी, योर फेवरेट। कब तक आप मेरे नाज नखरे उठाते रहेंगे? आज वेंसडे है, तो उस हिसाब से हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह आपको शहजादियों की तरह रखूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन रजा बुरा लगता है ना, आंटी अंकल क्या सोचेंगे मेरे बारे में? उन्होंने ही तो कहा है कि मैं आपका इतना ख्याल रखूं। उन्होंने कहा है कि उनकी बहू रानी की खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ वो किसी चीज के लिए फरमाइश करे और वहाँ पे वो पूरी हो जाए। अब अपने माँ बाप की बात उन्हें टाल सकते। सब लोग कितने अच्छे हैं ना यहाँ पे। रजा आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे वाकई यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। सबसे इतना प्यार मिल रहा है, इतनी मोहब्बत मिल रही है। थैंक यू। नायाब उठो यार, उठो उठो। क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो? अच्छा छोड़ो, इसके साथ जो मैचिंग का दुपट्टा है वो कहाँ रखा है? मैचिंग इसके साथ? बहुत अजीब लड़की हो तुम, कोई सो रहा इस तरह उठा के इस वक्त मैचिंग के दुपट्टे का पूछता है कोई? जी मैडम, इसी वक्त चाहिए। रात में तो यूनिवर्सिटी जाऊंगी नहीं मैं, सुबह ही सुबह जाऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी लेने। यार जल्दी से बताओ, साथ का दुपट्टा कहाँ रखा है तुमने? बोलो। कबर्ड में रखा होगा सामने। चलो उठो, शराफत से मुझे उठ के दो। ओ भाई पागल हो गई हो क्या, जाके खुद निकाल लो ना, मैं क्यों उठूं? तुम मेरी चीजें लेती क्यों हो? जब टाइम पे मेरी अलमारी में नहीं रखती हो तो मेरी चीजें लिया भी नहीं करो, पता नहीं कहाँ। और तुम आइंदा आके मेरे कमरे में इस तरह मुझे जगाना मत। वैसे तुम ना बहुत ही कोई अजीब लड़की हो। जाओ यहाँ से। क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? सिर्फ नींद से ही जगाया है ना, पहले तो कभी था उस तरह आया। क्या सीन है बॉस? जब कोई प्यारा ख्वाब देख रहा हो ना और तुम आके उसको उस तरह उठा दोगी तो उसका यही रिएक्शन बनेगा। अब जाओ यहाँ से, दरवाजा बंद करके जाना। सो जाओ दोबारा। अच्छा मैं ख्वाब देखती थी, बार बार थोड़ी आएंगे ऐसे ख्वाब मुझे।